त्रिपुरा में बीजेपी को बढ़त, नागालैंड में एनडीए सरकार, मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा, क्या कहते हैं एग्जिट पोल के रुझान। देश के पूर्वोत्तर के राज्यों मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी और त्रिपुरा में 16 फरवरी को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। अधिकतर एग्जिट पोल्स के रुझान में त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन वापसी करता दिख रहा है, जबकि मेघालय में किसी भी पार्टी को बहुमत मिलने का अनुमान नहीं है। इन तीनों राज्यों के परिणाम 2 मार्च को सामने आएंगे। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा तीनों ही राज्यों में वोटिंग के दौरान लंबी लाइनें देखी गई थी। तीन राज्यों का समीकरण। मेघालय और नागालैंड में 59-59 और त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। वैसे मेघालय और नागालैंड में विधानसभा की 60-60 सीटें हैं, लेकिन नागालैंड के जुनहेबोटो जिले में अकुलुतो सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एवं मौजूदा विधायक कझेतो किमिनी निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। वहीं मेघालय के सोहियोंग विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों में से एक के निधन के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। सबसे पहले बात त्रिपुरा के 60 सीटों की, जहां लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल में बीजेपी को 21 से 27, टीएमपी को 12 से 17 और लेफ्ट फ्रंट को 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एग्जिट माई इंडिया इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में बीजेपी को 36 से 45, टीएमपी को 9 से 16 और लेफ्ट को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। मेरिट्स और जी न्यूज के एग्जिट पोल में त्रिपुरा में बीजेपी को 29 से 36, टीएमपी को 11 से 16 और लेफ्ट को 13 से 21 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 29 से 40, टीएमपी को 10 से 14 और लेफ्ट फ्रंट को 9 से 16 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। और अब बात मेघालय के 59 सीटों की। टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च के एग्जिट पोल में मेघालय में बीजेपी को 3 से 6, कांग्रेस को 2 से 5 और एनपीपी को 18 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एक्सिस माई इंडिया इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में बीजेपी को 4 से 8, कांग्रेस को 6 से 12 और एनपीपी को 18 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। मेरिट्स जी न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 6 से 11, कांग्रेस को 3 से 6 और एनपीपी को 21 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जन के बाद के एग्जिट पोल में बीजेपी को 3 से 7, कांग्रेस को 6 से 11 और एनपीपी को 11 से 16 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। और अब बात नागालैंड के 60 सीटों की। टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च के सर्वे में नागालैंड में बीजेपी को 39 से 49 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाएगी, ऐसा एग्जिट पोल के रुझान कहते हैं। एनपीएफ को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट माई इंडिया इंडिया टुडे के सर्वे में बीजेपी को नागालैंड में 38 से 48 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 1 से 2 और एनपीएफ को 3 से 8 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। मेरिट जी न्यूज के सर्वे में बीजेपी को 35 से 42 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें और एनपीएफ को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि जन के बाद के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 45 सीटें, कांग्रेस 0 और एनपीएफ को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एग्जिट पोल के रुझानों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।